श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गायत्री का मंत्र जाप कैसे करें? बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि गायत्री जाप विधि बताया जाए। मैंने हमेशा से बोला है कि एक गृहस्थ को, चाहे वो साधक हो या फिर एक ऐसे पूजा करने वाला जिसको देव दृष्टि चाहिए, जिनको चाहिए कि उनका घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहे, उनके लिए दो चीज़ बहुत अनिवार्य है। पहला चीज़ है सूर्य को अर्घ देना, हाँ, सूर्य को सुबह में जल देना, और दूसरा होता है गायत्री मंत्र का जाप करना। मजेदार बात यह है कि जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते, तब तक आपका सूर्य का जो अर्घ है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि गायत्री के सामने जो जल रखते हैं वही सूर्य को अर्घ में दिया जाता है, या फिर गायत्री मंत्र पढ़ के जो जल आप देते हैं वही सूर्य को दिया जाता है बाद में सूर्य देवता का मंत्र पढ़ के। तो शुरू करते हैं बिना घूमे फिरे कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गायत्री भगवती की एक तस्वीर, चाहे तो वो तस्वीर हो या मूर्ति हो, लेकिन अनिवार्य ये होता है कि उसमें गायत्री मंत्र लिखा हो। जिस गायत्री माता की तस्वीर में मंत्र ना हो या फिर जिस मूर्ति में मंत्र खुदा ना हो नीचे की तरफ, वो मूर्ति हमारे किसी प्रयोजन का नहीं होता है, वो एक ऐसे ही देवी की मूर्ति हो जाती है। गायत्री मंत्र गायत्री की मूर्ति में होनी चाहिए। दूसरा, गायत्री मंत्र के शुरुआत में आप क्या करते हो, आप जो भी पंचकार है, जिस तरीके से पूजा किया जाता है, वो सब पूजा के की सामग्री रखो, जो पुष्प है, उसके बाद मिष्ठान है, उसके बाद धूप है, दीप है, ठीक है, जो भी पूजा की सामग्री है वो रखो, एक कलश में जल भर के रखिए सामने, और उसके बाद जो स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है उस मंत्र को पढ़ते हुए आप दीपक जलाएंगे और देवी भगवती गायत्री का आवाहन करेंगे। इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब आप दीपक जलाएं तो आपका भाव ये होना चाहिए कि दीपक को जलते ही, भगवती का आवाहन करते ही, भगवती गायत्री आ करके वहाँ बैठे, या देवी माँ भगवती का कोई भी रूप आ करके वहाँ बैठेगा और आपका पूरा पूजा सुनेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मंत्र पढ़ देने से नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। इसीलिए जब भी गायत्री का आवाहन करें तो ये बात अपने मन में रख लीजिए, तो माँ भगवती, देवी गायत्री या माँ भगवती का कोई भी रूप आ करके आपकी पूजा ज़रूर सुनेगा। तो आपने आवाहन कर लिया, उनको धी धूप दीप नवेद जो भी है वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर पहला साप विमोचन मंत्र आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन साप विमोचन के बारे में जानने से पहले ये जान ले कि गायत्री शापित हुई क्यों। जैसे कि बाकी सारे मंत्रों को महादेव ने किलित कर रखा है, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो महादेव जी द्वारा किलित नहीं हुआ था। पहली बार जो गायत्री मंत्र किलित हुआ था वो सावित्री के द्वारा हुआ था। सावित्री माँ जो है वो माँ गायत्री की बहन है और ब्रह्मा जी की पहली पत्नी उनको कहा जाता है, दूसरी पत्नी गायत्री है। तो एक बार एक यज्ञ होने वाला था, उसमें सावित्री जी को बैठना था, किसी व्यस्तता के कारण वो ना बैठ पाई तो माँ गायत्री बैठी। इससे सावित्री जी काफ़ी कुपित हो गई और उन्होंने गायत्री जी को ऐसा श्राप दिया कि तुम शक्ति विहीन हो जाओ। जैसे ही गायत्री को शक्ति विहीन होने का श्राप मिला, देवताओं में और पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई कि गायत्री अगर शक्ति विहीन हो जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो छिन्न हो जाएंगी। तो फिर सावित्री जी मान गई और उन्होंने एक मंत्र बताया जिससे कि गायत्री जो है वो श्राप से मुक्त हो जाती है। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो गायत्री का साप विमोचन है। तो जो पहला साप विमोचन है उसमें ब्रह्म ऋषि हैं, गायत्री छंद है, वरुण देवता है, ठीक है, और इस मंत्र को पढ़ने से ब्रह्म साप विमोचन हो जाता है। तो मंत्र जो है, मैं मंत्र पढ़ के नहीं बताऊंगा, गायत्री का कोई भी मंत्र पढ़ना बिना मतलब गुरु और शिष्य के बीच में ही गायत्री मंत्र बोला और पढ़ा जा सकता है। अच्छा, एक विषय और समझ लीजिए कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तब भी आप साप विमोचन करके गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और गुरु है तो अनिवार्य नहीं है कि आप साप विमोचन करें, लेकिन साप विमोचन करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो आपके स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है वो मंत्र है जिसमें कि ये बताया जाता है कि हे गायत्री, जिसको ब्रह्मणाम कहते हैं, धीर पुरुष अपने अंतकरण में आपको उसी रूप में देखते हैं, आप ब्रह्म श्राप से मुक्त हो जाओ, ठीक है। तो ये पहला साप विमोचन हो जाता है। इसके बाद दूसरा साप विमोचन होता है गायत्री का। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में कॉम्पिटिशन लगा,
ठीक है, और ये लोग अपने अपने सृष्टि के निर्माण और प्रलय लाने की शक्ति को दिखाने लगे। अब प्रलय या निर्माण दोनों में गायत्री की आवश्यकता होती है, लेकिन गायत्री जी ने ये होने नहीं दिया। इससे तीनों कुपित हो गए और फिर तीनों ने श्राप दिया। तो एक तो ब्रह्मा का शाप विमोचन मंत्र जो है वो तो मैंने बता दिया, उसके बाद है वशिष्ठ का शाप विमोचन मंत्र, जिसमें वशिष्ठ ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, वशिष्ठ देवता हैं, ठीक है। ये मंत्र अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसके बाद मतलब ये तो विनियोग हो गया, उसके बाद जो इसका मंत्र है उसमें है कि मैं सूर्य की ज्योति ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म की ज्योति शिव हूँ, मैं शिव की ज्योति विष्णु हूँ, मैं विष्णु की ज्योति शिव हूँ, हे गायत्री आप वशिष्ठ के शाप से विमुक्त हो जाओ, ठीक है। ये दूसरा शाप विमोचन होता है। तीसरा शाप विमोचन जो तीसरे कॉम्पिटिटर थे उसमें, और वो कौन थे, वो थे विश्वामित्र ऋषि। इन्होंने तो पता नहीं कितने मंत्रों को किलित कर रखा है। तो इसमें विश्वामित्र ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, और आद्या देवता है। आद्या देवता मतलब माँ आद्या, जहाँ से सब शुरू हुआ, जैसे गायत्री को भी वही मानते हैं। तो इस मंत्र में, इसका जो मंत्र है उसमें क्या है कि हे देवी, हे महादेवी, हे ज्ञान रूपे, हे संध्या रूपे, हे सरस्वती, हे जरा रहित, हे मरण रहित, आपको नमस्कार है। गायत्री आप विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो, ठीक है। जब आपने शाप विमोचन कर लिया, ठीक, उसके बाद भगवती गायत्री की तस्वीर के सामने आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तीन माला, ठीक है। गायत्री मंत्र कम से कम तीन माला पढ़ना चाहिए, एक माला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, तीन माला पढ़िए। एक गुरु को जाता है, एक देवों को जाता है, एक भाग आपका रहता है। अगर आपके पास माला नहीं है, तुलसी माला ओरिजिनल खरीदिएगा, वो लाल पीला हरा जो मिलता है वो नहीं, ठीक है। और हमेशा उसको एक किसी पाउच में रखिएगा, मतलब गायत्री जाप का माला कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो तीन माला आप उसको रोज करिएगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो घड़ी देख करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। गायत्री मंत्र का जाप स्पीड में नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, हर शब्द पे स्ट्रेस देके करते हैं। तीन माला आपने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया। उसके बाद अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 मुद्राएं। बिना इन 24 मुद्राओं को भगवती देवी गायत्री के सामने दिखाए इस पूरे गायत्री विधान का कोई मतलब नहीं रहता और कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। तो ये 24 मुद्रा आपको भगवती के सामने दिखाना है। ध्यान रहे, जब ये 24 मुद्रा दिखाते हैं, ये मुद्रा बहुत सीक्रेट मुद्रा होता है भगवती और चेलों के बीच, मतलब जो भी पाठ कर रहा है, जो साधक है उसके बीच में। तो चाहे तो जिस समय आप ये दिखा रहे मुद्रा उस समय कमरे से सबको निकाल दीजिए, या फिर एक पर्दा रखिए, और मतलब जब आप ये मुद्रा दिखाइए तो कोई भी ये मुद्रा देख नहीं पाए। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप में आचमनी लीजिए, ठीक है, उसमें जल लीजिए, और 3 बार जो दीपक है उसके चारों तरफ घुमाइए। और अब आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है वो है विसर्जन मंत्र। तो भगवती को आपने बुलाया, उनको शाप विमुक्त किया, उनको फूल दीप नवेद चढ़ाए, उनको उनको मंत्र दिया, मंत्र आपने कर लिया। हाँ, तो मंत्र करने के बाद जो आपका जो माला है उसको देवी के चरण में रख के उसके बाद अपने सर से टिका के रखें, ठीक है। उसके बाद दीपक के चारों तरफ जल घुमाएं, और ये विसर्जन मंत्र है, इस विसर्जन मंत्र को आप पढ़ेंगे भगवती के सामने, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद वो जल को उठाइए और जल को आप सूर्य देवता को दे दीजिए। सूर्य देवता के कई मंत्र हैं, उसमें से कोई भी मंत्र आप प्रयोग करके उसको सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। ये है स्वीट और सिंपल गायत्री का जाप करने का मतलब उपाय। इसके अलावा भी बहुत सारा उपाय है, बहुत लंबा चौड़ा उपाय है। मतलब आप चाहे तो इतना लंबा व्यवस्था है कि 4 घंटे 5 घंटे में गायत्री का जाप कंप्लीट होगा, लेकिन एक गृहस्थ के लिए इतना जाप काफ़ी है। जाप कंप्लीट करने के बाद वो कलश उठा करके जाके सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, सूर्य भगवान के जिस भी मंत्र से आप जल देना चाहते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। मैंने एक बेसिक कोर्स शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों को जो बेसिक मंत्र हैं, साबर मंत्र, वो नहीं आते, जैसे कि आसन, दिशा, भगवा, ये सब आना चाहिए। तो अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। ये पेड ग्रुप है, फ्री नहीं है। इसके अलावा मेरे किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से पूरे दुनिया में कहीं भी खरीद सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, मुझसे कॉल करके आप उसमें बात कर सकते हैं। आजकल थोड़ा एडवांस हो गया हूँ, मेरा एक वेबसाइट है, अगर
अघोर तंत्र रहस्य ठॉट XYZ, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलग खा दे।